بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you dear students? This is your math period. First recite dua. Rabbi zidni ilma. Oh my lord, increase my knowledge. Beta, open your math book. Page number 80. So this is our page number 80. Beta, write today's date and day over here. This is chapter number 5. Division. Division. A new term for you. Division. हम चीज़ें divide करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, करते हैं ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में पिज़्ज़ा आता है. अब उसके पीसेस क्या होते हैं? उसके पीसेस मम्मा डिवाइड करती हैं ना. इस बच्चे को इतना मिलेगा, सब बच्चों को इतने मिलेंगे, ये बाबा का, ये मम्मा का, ये डिवीज़न ही तो है. इसी तरह से घर में क्या होता है, केक आता है. ठीक है, तो केक भी जब कट होता है तो उसके बाद क्या पूरा केक किसी एक को मिल जाता है? नहीं ना, उसके केक के पीसेस बनते हैं. वो केक के पीसेस क्या होते हैं? फिर डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो डिवीज़न तो हम करते हैं. अच्छा, नाउ स्टार्ट डिवीज़न और शेयरिंग इक्वली. अच्छा, ये क्या बना हुआ है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन एप्पल एंड अ क्वेश्चन इज़ गिवन रिलेटेड टू एप्पल. चलिए देखते हैं क्या है. 24 apples are shared equally between two boys, Jamal and Alam. जी बेटा, how many total apples are there? 24 apples. और उन्हें share करना है equally. ठीक है, यानी कि division करनी है उनकी, divide करना है. कितने में divide करना है? Two boys में. क्या नाम है उनके? Jamal और Alam. दो बच्चे जमाल और आलम हैं, उनमें 24 एप्पल्स को ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों को इक्वल एप्पल्स मिलें. हाउ मैनी एप्पल्स डस ईच बॉय गेट? हर बॉय को कितने एप्पल मिले, ये बताना है हमको. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 24 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू बॉयज़. अब हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे. कैसे लिखते हैं? कितने हमें डिवाइड करने हैं एप्पल्स? 24. क्या करने हैं? डिवाइड. कितने बच्चों में? दो बच्चों में. तो आंसर आ गया 12. 12 कहाँ से आ गया? कैसे पता लगा? इसमें लिखा है ईच बॉय गेट्स 12 एप्पल्स. 12 आया कैसे? अभी हम देखते हैं. अच्छा, मुझे ये बताइए कि 24 एंड 2 विच इज़ द स्मॉलर नंबर? यस, 2 इज़ द स्मॉलर नंबर. अब हम क्या करेंगे? हम 2 का टेबल पढ़ेंगे. कहाँ तक पढ़ेंगे? जब तक हमें 24 नहीं मिल जाता. ठीक है, तो हमने 2 का टेबल पढ़ा और जब हम पहुँचे 2 12s are, तो हमें 24 मिल गया. 2 का टेबल पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा? जब तक हमें 24 नहीं मिलता. और कहाँ मिला हमें? 12 पर. 2 12s are 24. इस तरह से इसका आंसर 12 आ गया. हर बॉय को कितने एप्पल मिलेंगे? 12 एप्पल. ठीक है, तो ये 24 एप्पल दो बॉयज़ में इक्वली डिवाइड हो गए. ओके, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो इट विल बी क्लियर मोर इंशाल्लाह. ये किस चीज़ की पिक्चर है भाई? दीज आर मंकीज एंड दे आर कैरिंग अ बनाना. यू नो बनाना इज अ फेवरेट ऑफ मंकी. सो लेट्स रीड द स्टोरी. 12 बनानास आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 3 चिम्पैंजीज. दीज आर चिम्पैंजीज. ऑल राइट, सो इन 3 चिम्पैंजीज में कितने बनानास हमने इक्वली शेयर्ड किए हैं? 12 बनानास. हाउ मैनी बनानास डस ईच चिम्पैंजी गेट? हर चिम्पैंजी को कितने बनाना मिलेंगे? अब हम कैसे लिखेंगे इसको? 12 बनानास आर शेयर्ड इक्वली अमंग 3 चिम्पैंजीज. मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? कितने बनाना करने हैं हमें? डिवाइड 12. क्या करना है? डिवाइड. दिस इज़ द साइन ऑफ डिवाइड. ठीक है, डिवीज़न का साइन ये होता है. 12 बनानास है, उनको डिवाइड करना है. कितने में? 3 में. तो हमने लिख दिया 3. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, अभी हमें नहीं पता क्यों, अभी तो हमने टेबल ही नहीं पढ़ा. किसका टेबल पढ़ेंगे? 12 का पढ़ेंगे या 3 का पढ़ेंगे? विच इज़ अ स्मॉलर नंबर? यस, 3 इज़ अ स्मॉलर नंबर ना. 3 का टेबल पढ़िए. कहाँ तक पढ़ना है? जब तक कि हमें 12 मिल जाए. तो 3 का टेबल स्टार्ट कीजिए. 3 1 इज 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. 12 आ गया है ना. कितने टाइम पर आया? 3 4s are 12. तो हमने 4 यहाँ पर लिख दिया. दिस इज़ आवर आंसर. ईच चिम्पैंजी गेट्स 4 बनानास. हर चिम्पैंजी को कितने बनानास मिलेंगे? 4 बनानास. 3 4s are 12. तो हो गए 12 बनानास शेयर्ड 3 चिम्पैंजीज में इक्वली. नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल. हु आर दीज?
These are squirrels and they eat nuts. Okay, how many nuts are here? 8 nuts. And these 8 nuts should be shared equally between these two squirrels. तो अब हमें बताना है कि हर squirrel को कितने nuts मिले. Question क्या लिखा हुआ है? 8 nuts are shared equally between two squirrels. How many nuts does each squirrel get? 8 nuts shared equally between two squirrels means, अब तो हमें लिखना आ गया ना. सबसे पहले तो हम वो number लिखते हैं जो हमें divide करना है. क्या divide करना है हमें? 8 nuts. तो हमने 8 लिख लिया. क्या करना है? डिवाइड करना है. डिवाइड का साइन लगा दिया. और कितनी स्क्वायरल में डिवाइड करना है? टू में. तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू. एट डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू डैश. अभी डैश क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि अभी तो हमें टेबल पढ़ना है ना. किसका टेबल? एट का या टू का? विच इज़ द स्मॉलर नंबर? टू इज़ द स्मॉलर नंबर. सो से द टेबल ऑफ टू टू गेट एट. टू वन इज़ टू, टू टू आर फोर, टू थ्री आर सिक्स, टू फोर आर एट. टू फोर आर एट, इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ गया? फोर. ईच स्क्वायरल गेट्स फोर नट्स. ओके बेटा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिविजन. द नंबर विच यू वॉन्ट टू डिवाइड विल बी रिटन फर्स्ट. आफ्टर दैट वी विल राइट द डिविजन साइन एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द नंबर अमंग विच वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर. ऑल राइट, देन वी विल से द टेबल ऑफ द स्मॉलर नंबर to get the bigger number and the times multiply we write here. Okay, I hope you understood the topic. Read this page again. Take care of yourself. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.